नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme C21Y versus Samsung Galaxy A03s का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो C21Y में 6.48 इंच जबकि A03s में 6.46 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। विड्थ की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2.99 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही 0.36 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो C21Y में 200 ग्राम जबकि A03s में 196 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो C21Y में IPS LCD जबकि A03s में TFT LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.5 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो C21Y में 81.59% जबकि A03s में 81.85% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो दोनों फोन में सेम ही 270 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो C21Y में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में मोनो कैमरा देखने को मिलता है। और A03s की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो C21Y में माली G52 जबकि A03s में पावर GE8320 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो C21Y में यूनिसॉफ्ट T610 और A03s में MediaTek Helio P35 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 2 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 3GB 4GB की RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 2 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 32GB 64GB की स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो C21Y में अप टू 256GB जबकि A03s में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो C21Y में 2 कलर्स जबकि A03s में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो C21Y में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 3GB रैम 32GB स्टोरेज के साथ ₹8,999, 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ ₹9,999 में मिल जाता है। वही अगर बात करें A03s की तो उसमें 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 3GB रैम 32GB स्टोरेज के साथ ₹11,499, 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ ₹11,999 में मिलते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Realme C21Y में 2 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Samsung Galaxy A03s
की तो उसमें 4 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में C21Y आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी M01S है, दूसरा ओप्पो A12 है, तीसरा इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें रियलमी C15 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।